दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे और कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह की सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है उसका आप लोग विधि सम्मत पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ पीएसटी पर एचएएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एचएएस और तहसील वेलफेयर के रिगार्डिंग। करंट अफेयर्स के वीडियो है, इसमें एक सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप पीएसटी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों यह वीडियो स्पॉन्सर्ड किया है परीक्षा ऐप ने। यहाँ पर आप एचपी जीके और एचपी की करंट अफेयर्स के डेली डोज अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। साथ ही साथ आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जो कि फ्री है। यहाँ से आप एचएएस और कोऑपरेटिव बैंक के लिए टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं जिसके लिए कि आप पीएसडी एचपी 40 का यूज करके 40% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसकी खास बात है ये हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और आंसर विद एक्सप्लेनेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से भारत का प्रथम केरोसिन मुक्त शहर कौन सा है? गांधीनगर, चंडीगढ़, मुंबई, इंदौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। दोस्तों आपको बता दूं कि ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि गुजरात ने अपने गांधीनगर जिले को पूर्ण रूप से केरोसिन मुक्त घोषित किया है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में अब तक कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश केरोसिन मुक्त है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पुदुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली और आपका चंडीगढ़ और दिल्ली, ये तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो कि आपका केरोसिन मुक्त है। अगर राज्यों की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश, हरियाणा व पंजाब, ये सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरोसिन मुक्त है। तो सो आपको सारे ही राज्यों के नाम पता होने चाहिए क्योंकि आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि एचएएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो एनालिटिकल बेस्ड होता है, मतलब आपके पास कथन दिए रहेंगे और नीचे आपके पास उसके विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस स्कूल को विश्व का सबसे बड़ा स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? दून स्कूल देहरादून, मदर इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ। दोस्तों इस स्कूल में 56,000 छात्र पढ़ते हैं एक साथ और इस स्कूल को मतलब विश्व का सबसे बड़ा स्कूल हो गया ये छात्रों की संख्या के आधार पे और इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि दलाई लामा ने इस स्कूल को होप ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ठीक है, और साथ ही साथ यूनेस्को ने इसको 2002 में प्राइज फॉर पीस एजुकेशन से भी सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों को अपने देश में प्रवेश के लिए वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? कनाडा, अमेरिका, जापान, ब्राज़ील। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्राज़ील। दोस्तों आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है उन्होंने ये घोषणा की चीन और भारतीयों के लिए जो पर्यटक है यहाँ के वो ब्राज़ील में बिना वीज़ा के आ सकते हैं। ब्राज़ील ने इसी तरह से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी इस तरह की सुविधा प्रदान की है, मतलब यहाँ इन कंट्रियों के जो पर्यटक होंगे वो ब्राज़ील के अंदर विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वर्ष 2019 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब निम्न में से कौन सी टीम ने जीता? कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी ये अक्टूबर 2019 में खेला गया फाइनल टूर्नामेंट, तो इसके विजेता कर्नाटक टीम रही जिसने फाइनल में तमिलनाडु की टीम को हराया था। सो आपको ये पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किन दो देशों के साथ ट्रांस बॉर्डर कंजर्वेशन पार्क की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूटान और नेपाल।
दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अक्टूबर 2019 में भारत ने भूटान और नेपाल से ट्रांस बॉर्डर कंजर्वेशन पार्क की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलाम तोती किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीतकार, बुद्धिजीवी, फिल्म निर्देशक, लेखक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुद्धिजीवी। दोस्तों आपको बता दें कि इलाम तोती उइगर बुद्धिजीवी है। उइगर क्या है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों उइगर जो है ये चाइना के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है। यहाँ पे मतलब चाइना इनका जो कि जैसे न्यूज़ में भी देखा होगा आपने, को इनको प्रताड़ित करता है, तरह तरह से इनका शोषण किया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है चाइना के अंदर। तो ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है उसकी संसद ने इन्हें सखारोव पुरस्कार प्रदान किया मानवाधिकारों के लिए, ठीक है। और ये चाइना से डिमांड भी किया क्योंकि चाइना ने दोस्तों इन्हें 2014 में आजीवन कारावास में डाल दिया है, इनको जेल में, क्योंकि ये जो चाइना के अंदर है उइगर समुदाय के लिए मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको इसको इस तरह से भी याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि उइगर कौन से देश से संबंधित है, हो सकता है आपको ऑप्शन दे म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, जो भी। इसी तरह से आपने जो रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित है। रोहिंग्या आपके म्यांमार से संबंधित है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठी है, घुसपैठ करते हैं, मतलब घुसपैठ क्या है कि वहाँ पर म्यांमार के अंदर उनका भी शोषण हुआ, अत्याचार हुए, तो वो वहाँ से भागने लगे, मतलब ठीक है प्रवास करने लगे, लेकिन भारत में तो घुसपैठी ही होंगे क्योंकि हमने उन्हें शरण नहीं दिए, ठीक है। सो आपको इस तरह से याद रखना है कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ से रिलेटेड है, इस तरह की जो भी चर्चा में आती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, राधाकृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक, किरण बेदी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया, मतलब दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए पूरे जम्मू कश्मीर के, जिसमें कि आपका एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। दोस्तों दोनों ही राज्यों के लिए अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए, जिसमें कि आपके जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर बात करें लद्दाख के लिए तो लद्दाख के लिए राधाकृष्ण माथुर को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। अगर बात करें सत्यपाल मलिक की तो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, इसके बाद इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया। अगर बात करें किरण बेदी की तो किरण बेदी वर्तमान समय में केरल की राज्यपाल है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तमन्ना किससे संबंधित कार्यक्रम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, बालिका विकास? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि CBSE और NCERT ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तमन्ना नामक एक एप्टीट्यूड टेस्ट प्रारंभ किया है जो कि ऑनलाइन होगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों इसलिए प्रारंभ किया गया है कि जो बच्चे 9वीं 10वीं करके 11th में जाते हैं वो अपनी कमजोरियों को पहचान सके और आगे 11th में वो कौन सा सब्जेक्ट चुने, इसलिए इस तरह के टेस्ट को देने से उन्हें अपने में कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने को पहचान पाएंगे और उन्हें विषय चुनने में आसानी होगी। सो आपको ध्यान देना है कि ये तमन्ना प्रोजेक्ट या तमन्ना कार्यक्रम किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, यूनेस्को, WHO? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया, जिसमें कि भारत ने 14 पायदान की छलांग लगाई एक वर्ष के भीतर और 63वें स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने 2014 के बाद काफ़ी लंबी छलांग लगाई, क्योंकि 2014 में भारत का जो स्थान था ईज ऑफ डूइंग में वो था 142वां स्थान, ठीक है। सो एक चीज़ और जाननी होगी आपको कि ये जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है इसमें किस आधार पे रैंक किया जाता है किसी देश को? दोस्तों किसी भी देश की व्यापारिक गतिविधियों को देखा जाता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड देखे जाते हैं, माहौल देखा जाता है व्यापार के लिए कि किस तरह का है, उस हिसाब से ये रैंक दिया जाता है।
ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो जिम योंग इसके अध्यक्ष है, ठीक है। और अगर स्थापना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्नो लेपर्ड निम्न में से भारत के कौन से राज्य में नहीं पाया जाता? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिजोरम। दोस्तों हुआ यूँ कि भारत में पहली बार जो ये स्नो लेपर्ड है इसकी जनगणना के लिए नेशनल प्रोटोकॉल जारी किया गया। ये जारी किया गया 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर इसलिए चुना गया इस दिन को क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। और इस नेशनल प्रोटोकॉल की घोषणा जो की वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने की। सो आपको मालूम होना चाहिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है इस समय, वो है प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। आपको बता दें कि ये भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और आपको बता दें कि जो ये स्नो लेपर्ड है ये वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विलुप्त प्राय प्रजातियों में है। और 2017 में IUCN ने, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, उसने भी इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा हुआ है स्नो लेपर्ड को। भारत में इसकी संख्या मुश्किल से